हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बूटिंग में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। करीब 10-12 साल के बच्चे के यहां पर कुर्ता है ये, और इसकी करने वाले हैं हम कटिंग। तो हम सबसे पहले समझा देते हैं आपको इसका नाप। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो 30 इंच है, स्लीव्स की जो लंबाई है वो 18 इंच है, और उसकी जो गोलाई है आस्तीन की मुंह वो 10 इंच है, शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट यहाँ पर यानी सीना 26 इंच है, कमर यहाँ पर यानी पेट वो 24 इंच है, और हिप है यहाँ पर 26 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे एक निशान कपड़े को सीधा करने के लिए। और यहां से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी नापेंगे लंबाई। ठीक है, तो लंबाई है इसकी यहाँ पर 30 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे इसको और 30 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, और निशान लगाने के बाद में अब इसका रखेंगे आरमोल। आरमोल रखेंगे चेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, चेस्ट है इसकी 26 इंच, तो 26 इंच के हम कर लेंगे 4 भाग, तो होता है 6 चौक 24 25 26, यानी 6.5 इंच। ठीक है, तो हमने 6.5 इंच पे इसका निशान लगा दिया आरमोल का। और यहाँ पर लेंगे इसके टीप डाउन करने के लिए 1.5 इंच। उसके बाद में यहाँ से हम लेंगे यहाँ पर 6 इंच और 6 इंच पे और लगाएंगे, यानी हो गया 12 इंच। ठीक है, जहां से हमारे मतलब ये कमर का निशान हो गया, ये चेस्ट का, कमर का, और यहाँ पर ये हिप का हो गया। अब इन तीनों निशानों को हम कर लेंगे एक साथ, चारों निशान को। अब निशान लगाने के बाद में दोस्तों, इसका जो कॉलर है वो है यहाँ पर 13 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंच पे हमने जो एक निशान लगाया था, इस 1.5 इंच पे भी हम एक निशान लगा देते हैं इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में इसका जो शोल्डर है वो 14 इंच है, तो हम आधा आधा इंच का दोनों साइडों में सिलाई मार्जिन लेंगे, तो होगा 15 इंच। तो 15 का हाफ करके 7.5 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट है दोस्तों इसकी 26 इंच, तो 26 का करेंगे हम 4 भाग, 6 चौक 24 25 26, यानी 6.5 इंच। ठीक है, यहाँ एक निशान लगा देंगे 4 भाग करके। उसके बाद में यहाँ पर कमर है 24 इंच, तो 24 का 4 भाग करेंगे, तो हो गया 6 चौक 24, यानी 6 इंच। उसके बाद में यहाँ पर 26 इंच है इसकी हिप, तो 26 का हम 4 भाग करेंगे, तो हो गया 6.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि इसमें हम लूजिंग कितनी देंगे। तो दोस्तों, फिटिंग वाले कुर्ते में हमें जो लूजिंग देना होती है वो देना होती है 1.5 इंच। तो हम यहाँ पर इस निशान से यहाँ तक 1.5 इंच देंगे, और यहाँ पर भी 1.5 इंच देंगे, और इस जगह भी 1.5 इंच, यानी कि आपको सब जगह 1.5 इंच का हिसाब रखना है। उसके बाद में अब रखेंगे हम यहाँ पर इसका दामन, तो यहाँ 9 इंच। तो ठीक है, हम 9 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं, और सिलाई मार्जिन लेंगे इसका अलग से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक लगाएंगे एक निशान इस प्रकार, और यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस प्रकार निशान लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ कुर्ते के निशान लग चुके हैं। अब इसका हम कॉलर का हिसाब लगाएंगे, तो कॉलर हमें लेंगे यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद में इस निशान से यहाँ पर करेंगे इसको डाउन, और यहाँ पर हम इस प्रकार एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि आपने यहाँ पर कितना लिया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से निशान लगाया क्रास करके, यहाँ से मिलाई स्केल यहाँ से, और इसका निशान लगा दिया है। अगर आप यहाँ पर नाप के लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नाप के 2.25 इंच या 2 इंच पे लगा सकते हैं। ठीक है, बच्चे के कुर्ते में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। इसमें आपको मार्जिन वगैरह कुछ नहीं देना है, आपको जो फिटिंग के अंदर जो मार्जिन होता है वही मार्जिन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपने लूजिंग छोड़ी है 1.5 इंच की, उसी में सब मार्जिन वगैरह ऐड रहेगा। अब हमने यहाँ पर सामना कटिंग कर लिया है, इस तरीके से बिछाएंगे यहाँ पर। दूसरा अपने बैक पल्ला कटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर हम बिल्कुल सीधा करके बिछा लेंगे। ठीक है, इसको और जितना यहाँ पर है उतना ही नाप लेंगे। यहाँ पर हमने रखा था 10.5 इंच, तो 10.5 हम यहाँ पर इस तरीके से नाप के यहाँ लगा लेंगे निशान, और जहाँ पर निशान है वहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने सामने को बिछा देंगे इस प्रकार, ठीक है, और अच्छी तरीके से सेटिंग कर लेंगे, छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल बढ़िया करके बिछा लेंगे, और नीचे से भी मिला लेंगे, ठीक है, जो हमारा कपड़ा ख़राब ना जाए, बिल्कुल हर जगह सही कामयाब जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हम इस जगह से हम यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच, और यहाँ से भी 2.25 इंच, और बाकी यहाँ पर जो शोल्डर की लंबाई है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे, और इस तरीके से रखेंगे स्केल को, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है, इस जगह से यहाँ पर 1 इंच, और यहाँ से दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ से लगाएंगे एक निशान इस प्रकार, इस निशान से मिला देंगे, और एक ऊपर वाले निशान से मिला देंगे जो हमने 2.25 इंच का लगाया था। उसके बाद में हमें यहाँ पर रखना है 1.5 इंच, ठीक है, हाले के लिए, और इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, और निशान लगाने के बाद में इस वाले निशान से इस वाले निशान पर हमें लेके आना है, और इसको करना है डाउन। डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था इसको करेंगे हल्का सा क्रॉस, ठीक है, क्योंकि जो ये पलट के आएगा तो यहाँ पर छोटा नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर हम साइड पॉकेट की, तो साइड में हम जो पॉकेट लगाएंगे दोस्तों वो यहाँ से लगाएंगे, इस जगह से लगाएंगे 5 इंच पे, और यहाँ पर हम इसका जो पॉकेट का मुंह का साइज रखेंगे 5.5 इंच रखेंगे। उसके बाद हम नीचे जो ज्वाइंट करते हैं जो कली बंद रहती है वो लेंगे 2 इंच, ठीक है, और वैसे हम बड़े कुर्ते में जो इसका साइज रखते हैं वो 6 इंच रखते हैं, और यहाँ से रखते हैं वो भी 6 इंच रखते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं, अब दोस्तों इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पर लगा देंगे एक कट, और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे, और नीचे भी एक कट लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं हम, और इसके बाद में हम जो अपने यहाँ पर छोटे बच्चे का कुर्ता है तो यहाँ से हम जो पट्टी कटिंग करेंगे दोस्तों, बड़े में करते हैं 10.5 इंच, तो इस पर करेंगे हम 9 इंच पे, ठीक है, इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगा के 9 इंच तक पट्टी हम कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसको हम लपेट के रख देते हैं, अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स को कटिंग। तो दोस्तों हमारे यहाँ स्लीव्स की जो लंबाई है वो 18 इंच, तो यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई मार्जिन का एक निशान, और यहाँ से नापेंगे इस तरीके से, तो दोस्तों हो गया 18 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ पर फोल्ड होने के लिए, ठीक है, इसका जो मुंह का साइज है वो है 10 इंच, तो 10 इंच का हम कर लेंगे हाफ, तो होता है दोस्तों 5 इंच, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, और इसको कर लेंगे बिल्कुल सीधा, एक निशान ये हो गया और दूसरा निशान ये हो गया जहां से हम कटिंग करेंगे। अब बात करें आरमोल की दोस्तों, आरमोल हमने उसका रखा है 6.5 इंच, तो इसका भी रखेंगे हम 6.5 इंच, ठीक है, इस तरीके से, और यहां से लेंगे 2 इंच इस प्रकार, और 2 इंच लेने के बाद में यहां से हम इस तरीके से कर देंगे डाउन, और डाउन करने के बाद में दोस्तों यहां पर लगाएंगे एक निशान सीधा करके। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहां पर हम लेंगे शेप फंटी, और शेप फंटी से इस तरीके से लगाएंगे एक निशान, और इस स्लिप्स को अपनी कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ठीक है, मार्जिन छोड़ते हुए, जो भी आप मार्जिन दें वो मार्जिन इसमें छोड़ दें, ठीक है। और दोस्तों यहां पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी स्लिप्स को ओपन करेंगे, और यहां से जो हमने निशान लगाया था 2 इंच का, और यहां पर है, यहां पर हाफ यानी आधी स्लिप्स यहां तक है इस तरीके से, और यहां से लगाया था हमने 2 इंच का निशान, तो यहां से हम इस तरीके से 1.25 इंच को इसको कटिंग करेंगे जो हमारे के सामने में चढ़ेगी, ठीक है, इस प्रकार। तो दोस्तों यहां पर लगा देंगे हम यहाँ पर निशान, और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमारी कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों आपको मैं कटिंग करने का तरीका कैसा लगा, या आपने कुछ सीखा हो इस कटिंग से, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।